हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है एन उनो मेकअप चैलेंज। तो एज यू कैन सी वी हैव समबडी न्यू ऑन माय चैनल एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय गाइस, आई एम सृष्टि सेठी एंड आई एम आल्सो कंटेंट क्रिएटर, मेकअप का पिक करने वाले हैं एक एक कार्ड। दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम नायका टीवी, दे डिड अ वेरी रिसेंट वीडियो विद मृदुल शर्मा एंड दैट्स वेयर आई थॉट चलो हम भी करके देखते हैं। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम सिंपल करेंगे कंसीलर, हम दोनों कंसीलर लगाते हैं। मेरा है लॉरियल इनफेलिबल कंसीलर एंड मेरा है एले गर्ल प्रो कंसील। माइन इज इन द शेड मीडियम बेज बाय द वे। मेरा वाला है 314 बेज। ओ बेज ट्विंस, या पहले तू उठा मैं स्किप वन। मतलब आज मेरे नसीब में स्किप है। इट इज योर चैलेंज नो शिट यार, मेरा स्किप हो गया। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू बोथ मीट। हाँ, लोगों को नहीं पता होगा। सो सृष्टि और मैं स्कूल से फ्रेंड्स हैं, सिंस 9th ग्रेड हम फ्रेंड्स हैं। एंड हम तो फ्रेंड्स नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम फ्रेंड्स बने हैं 11th के बाद, 12th के बोर्ड्स में बेसिकली। बट 11th में स्टिल वी स्टार्टेड बिकॉज़ वी वर इन द सेम सेक्शन, बिकॉज़ ऑफ आवर जो हमारी स्ट्रीम थी। Exactly. हाँ, हमारे हम दोनों ने ली थी 11th में पीसीबी। हाँ. तो हम दोनों सेम सेक्शन में हो गए थे पहले एंड हमारी से घनिष्ठ मित्रता हुई। घनिष्ठ यस, 12th के बोर्ड्स के बाद। उसके बाद सिस्टर मैं लिटरली बोर्ड्स के टाइम पे लाइक वी स्टार्टेड टॉकिंग, क्योंकि हम बोर्ड्स के टाइम पे हम बहुत ज्यादा बात करते थे। स्काइप, उस टाइम हम स्काइप यूज करते थे। सो वी यूज्ड टू बी यू नो ऑन स्काइप कॉल फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स, लिटरली रात को। हाँ. और मुझे अच्छे से याद है कि एक बार केमिस्ट्री का पेपर था, उसमें सृष्टि मैंने रात को 4 बजे तक बैठ के बात करी फोन में। अगले दिन केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर है, मतलब भाई साहब। एंड दैट टू वी हैड 10 डेज फॉर दैट एग्जाम। हमने कुछ नहीं पढ़ा था उन 10 दिन में एंड हमने पता नहीं कितने मार्क्स दिए, मुझे भी नहीं पता। नहीं, मैं कितने मार्क्स केमिस्ट्री में कितना पड़े, 91 लंडन, चली गई दुबई। सो नेक्स्ट इज पाउडर, और अब हम पाउडर पे देखते हैं क्या आता है। या मुझे प्लीज पाउडर तो दे दो। पाउडर तो आएगा यार, समझेगा, इसमें इतना स्किप थोड़ी। वन सृष्टि का वन दिखा दे, वन दिखा दे, मेरे को भी वन ही है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, आई एम हैप्पी। वो कुछ तो आया, एटलीस्ट वन वन आई एम हैप्पी, वन इज नाइस, एटलीस्ट वन फॉर एवरी। लेयर्स एंड लेयर्स, ओके आई कैन डू अ लिटिल चीटिंग इन दिस नाउ। आई थिंक वी आर गोइंग गुड, आई कैन यूज अ पाउडर फाउंडेशन। आई एम यूजिंग द इनफैलिबल की पाउडर फाउंडेशन। माइन इज के बाय कैटरीना, आई लव दिस वन। मेरी शेड से लाइट है पर लगाया मैंने, गाइस मैंने एक ही बार लगाया ऐसे पूरा। सो नेक्स्ट है ब्लश, सो लेट्स स्टार्ट। मैं 4 For the, you'll use cream blush? I'll see. I'll use cream. No! Shrishtika 9 hai! 4 layers. Yes, I'll use the milk makeup ka blush. I have 2 blushes. Ek sugar ka jo main generally use karti hu, and I have MAC ka, isko bahut hi bichara mar chuka. Pata nahi kyun hai ye. Tu MAC ka kar rahi hai. MAC, I think that would be better. 9 layers. The next question is, what is the weirdest thing that you have done together? Actually, because very good question. Because I think question. We haven't done anything which is weird. Shrishti, we have done. You know that. Yes. Weirdest thing I feel like Shrishti maine kari hai. I don't think so. We can dance. Oh, that is past. वो तो weird ही है. Past. Weird तो नहीं है, but fun है. We haven't done anything bad although. Bad नहीं है. लोगों को ये ना लगे कि हमने कुछ किया है. नहीं. But हमने किसी को Yeah. बस इतने तक ही लीव करते हैं। ये हो गए 4 लेयर, आई एम डन। मेरे भी हो गए 4। यही हमें तक अपने बियर्ड किया है। आई थिंक सो बियर्ड हमने एक और करा है, करा तो नहीं है अगर सृष्टि को तुझे याद भी नहीं होगा। मुझे बियर्ड नहीं याद कभी, मतलब मैंने और सुमेघा ने कुछ बियर्ड ऐसे करा नहीं। बियर्ड नहीं है बट इसको क्यूट कह सकते हैं मे बी, कि हम स्कूल में जब सृष्टि में से न्यू ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स बनना शुरू हुए थे, 12th की बात है, तो ऐसे इशारों में बातें करते थे आंखों से, याद है तेरे को सृष्टि पीछे बैठी थी। यूज्ड टू जज अ लॉट, तो जैसे हमने कुछ ऐसे देखा था हमें बात करनी है, मतलब वी आर और साथ में देखते थे। प्ले कर रही है, 9th लेयर हो गई। ओ सृष्टि लुकिंग अमेजिंग, बस हो गया। लेट्स डू आईब्रोज गाइस, उठाना पड़ेगा बेटा। 5 सृष्टि तो 0 व्हिच मींस यू स्किप, जीरो मतलब आई विल नॉट डू 5 लेयर्स, सो नो प्रॉब्लम। आज मेरे नसीब में मेकअप नहीं है, दैट आई कैन सी। व्हाई डिड यू गाइस स्टॉप टॉकिंग इन द मिडल, ये मुझे पता था सुमेगा कहीं ना कहीं रखेगी।
कि इट इज वेरी 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 नेसेसरी। सृष्टि आंसर करेगी, मैं आंसर नहीं करूंगी। दुबई से भी सेकंड टाइम आई है, तब क्या हुआ था? गिव अस द टी सृष्टि से टी। ओह नाइस, हुआ तो कुछ भी नहीं था सुमित, हुआ था कुछ हुआ कि मतलब हुआ था लाइक सृष्टि मेरे बर्थडे पे नहीं आई। इट वाज ऑल प्लान्ड कि मैं जाऊंगी, बट एंड पे आई हैड टू कैंसिल ऑन द डे ऑफ हर बर्थडे। एंड इनफैक्ट मेरी इससे रात को भी जब मैंने इसको विश किया है तो शी वाज लाइक कि मैं बताती हूं, मैं कंफर्म करूंगी कोशिश, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट देन शी वुड नॉट, तबीयत ठीक नहीं थी, कोई तरीका होता है बोलने का? मतलब नेक्स्ट टाइम करते हैं आई शैडो। ओके, सिक्स सृष्टि गॉट सिक्स। मैं तो बस एक वो लगाऊंगी शिमर सा आई शैडो। अरे यार तुम बता ही दो ना पासवर्ड में क्या है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट वन थिंग यू बोथ वांट फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर वांट टू गिव इट बैक? इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ क्वालिटी, इट कैन बी एनीथिंग। सृष्टि के बारे में मुझे एक चीज अच्छी लगती है, हाँ इसको बाउंड्रीज बनानी आती है। अगर मान लो लड़ाई भी हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी भी लड़ाई हो रही है, तो शी विल नो कि ठीक है अब इट्स टाइम टू स्टॉप इट, हो गया, मैं अपना टाइम लो और इसको रिजोल्व कर लो। मैं स्पाइरल करती हूँ बहुत, बट विद हर इज दैट कि ये बाउंड्री मेंटेन कर लेती है कि चल ठीक है अब हो गया, टेक अ टाइम फिर बात करते हैं। ये आई लाइक अबाउट हर, दैट्स वन थिंग आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू। हां, एंड वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट हर एंड आई वुड दैट थिंग आई फील कि हम दोनों के बीच में ये कॉमन है दैट वी डोंट गिव अप ऑन फ्रेंडशिप्स दैट इजी। दैट ट्रू, दैट इज सो, मतलब आई हैव दैट नेचर दैट आई डोंट गिव अप ऑन पीपल इजीली इन जनरल। मतलब मेरे साथ बहुत ही बुरा हो आई थिंक देन आई वुड स्टॉप, लाइक आई वुड, हां मैं खत्म कर दूंगी। एंड हमारा भी जैसे ऑन एंड ऑफ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप ओनली। हमने कभी मतलब ऐसे खत्म नहीं किया, कभी ऐसे नहीं किया कि अब बाय गेट लॉस्ट, दैट का नहीं किया। वी हैव ऑलवेज फाउंड आवर वे बैक टू ईच अदर आई वुड से। तो इन हर आल्सो, बट मेरे अंदर भी है वो चीज। तो मेरे बारे में क्या अच्छा हुआ इसमें? अपने बारे में अच्छा बोल दिया, मेरे बारे में अच्छा क्या हुआ बेसिकली? मैं तेरे अंदर अच्छा नहीं है, दिख रहा है वो, समझ में आ रहा है मेरे को। बट एक्चुअली मैं तेरे अंदर जो जो चीजें अच्छी है ना, दैट इज बेसिकली वो मेरे अंदर भी सेम ही है, समझ रही है? अपने बारे में अच्छा कैसे ना बोले, समझ नहीं रही। डन भाई, 6 लेयर्स हो गई हैं। सुमेगा के साथ ये है, हाँ सुमेगा एक्सेप्ट यू इन वट एवर वे यू आर। Even if somebody is hurting you to the core, I think you don't change your perspective and the feelings and everything. मतलब मेरा for the time being हो जाता है, मेरा हिल जाता है मामला थोड़ा, but I think सुमेगा के साथ ये नहीं होता है। सुमेगा is very clear about her feelings. You need friends at a certain point of time, whether it be one or two. मतलब मैं ये खुद भी सोचती हूँ, मैंने काफी लोगों को hurt किया। हाँ बहुत सृष्टि, बहुत hurt किया आपने। सुमेगा is one of them. I am one of them. Sorry. Should be. Next is eyeliner. सब आज कराएगी, सब आज होगा। ओ भाई मैं शफल कर लूं, दैट्स माय किस्मत। उसने बोला कि इसको नहीं लगाना, तो वो नहीं लगा लिया। व्हाट इज द वन थिंग यू विश, यू बोथ विश फॉर ईच अदर इन 2024? That's a good question. You have to tell about me, only and I'll have to tell about clarity me. In the sense, I think she should be at that place जहाँ कि इसको अपने आप को settled feel हो professionally. क्योंकि now I think मतलब वो PhD और जो तेरा confusion चल रहा है थोड़ा job कि क्या करना है मुझे. So I think she should get somewhere. Other than that, I think friendship and our friendship basically. अच्छा our friendship. हाँ. Our friendship should stay intact. It should. Yeah. It should. And I wish कि हम दोनों एक दूसरे को और बेटर समझ पाए अगले साल। अगले साल इट गोज बोथ वेज बाय द वे, ठीक है? बोला ना एक दूसरे को समझ पाए, मैंने बोला, पहले ही बोला मैंने भाई, पहले ही बोला मैंने। यार सृष्टि के लिए भी मैं सेम ही विश करूंगी, एंड शी शुड गेट मोर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब, क्योंकि इसको जॉब करने का मन है आगे जाके, दुबई में करने का मन है, एंड यू गोइंग ऑल्सो बैक। बट फॉर 2024 आई विश ओनली गुड हेल्थ, वेल्थ। Wealth is very important. Wealth is very important. Health भी सबसे पहले, then wealth. And also, please इसको बोलो कि content creation करे, ठीक है? She's not consistent at all, like zero consistency है इसके अंदर. So please maintain that consistency. Please. Yeah. I accept, ठीक है, consistency. Good. 7. कितने करने हैं? 8. But सही है, 8 में भी बुरा नहीं लग रहा. Next is mascara. Mascara? Mascara is 4. Mascara जितना ज़्यादा अच्छा है. मस्कारा फिर कितना भी लगाते रहो, अनटिल इट्स क्लंपी कर देगा। सृष्टि हैड टू लॉन्च अ ब्रांड, व्हाट वुड हर ब्रांड बी अबाउट?
I would definitely say makeup and skincare. Okay. Because and I want to work on something which is this is ne bola na acne free makeup bhi hota hai. Yeah. So I want something jo ki matlab logo ki skin ko kisi bhi type ki skin ho it would not disturb the skin type aur matlab jise hamare sath hota hai na na bhi makeup kar le bhai hamara skin ki vaiyat condition not even makeup I feel like a lot of skincare like jo skincare products hain wo bhi bahut breakout karte hain like if you use a new product all of a sudden to wo ekdam se आपको ब्रेकआउट कर देता है सही में सो बट आई वुड लाइक टू स्टडी द स्किन फर्स्ट इन दैट सेंस कि मेरे को समझ में आए लाइन पे काम करते हुए आई वुड अंडरस्टैंड कि कहां पे मुझे वर्क करना है अच्छा आईडिया सो इट वुड बी लाइक दैट मेकअप एंड स्किन दैट इज नाइस रिश्ती ये जो बोल रही है ना ये और लेटर सूनर और लेटर लेटर वो कभी आएगा नहीं हु इज मोर कम्युनिकेटिव सुमेगा डेफिनेटली डेफिनेटली शी इज कम्युनिकेटिव एंड हु स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन सो शी इज दैट थैंक यू वो देख रही हूँ ना और क्या बचा है हाइलाइटर okay, मैं जनरली हाइलाइटर लगाती नहीं इतना लेट्स स्टार्ट लेट्स डू आवर हाइलाइटर ओ माय गॉड सिक्स मैंने कहा था मैं नहीं लगाती एल्फ If you head out to my Instagram, I would say कि same products तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। हाँ, सृष्टि सारे वही लगा रही है। Next question करते हैं। What is your favorite memory with each other? School time। हाँ, school time। हाँ, but school के time पे we literally had a lot of fun. Best times। Whether it be anything। Whether it be calls, whether it be school also itself। क्या school जाना है? चलेंगे। Next is lipstick। 4। 6 less। कुछ तरह 6 से कुछ वो है क्या? नहीं। प्यार Mars की lipstick I love it. 6 less. Yeah. You are having 4. Yeah. I'll use this one. Dolce and Gabbana. Wow. This is in the shade. It's very pretty. कलर भी अच्छा लग रहा है कलर भी बहुत अच्छा है मॉविश और ब्राउनिश ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी ना लेयर्स मतलब इट इज वेरी अच्छा, वेल्वेटी ऑन द लिप्स ऐसे पता नहीं चलेगा बहुत प्यारा फील है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू यू गाइज रिजोल्व फाइट्स Talking, communicating. Communication is very important. It is the key. It is the key. Instagram पे जो लिख के आया था ना communication is the key. That is true. If you don't talk, people won't know. क्योंकि आपको जब तक ये सब मैंने नहीं सिखाया था वैसे मैं नहीं करती बात स्मार्ट में बात करना इम्पोर्टेंट है यार ऑब्वियसली वरना कैसे समझ में आएगा तुम अगर मान लो अगर ये गुस्सा भी है हाउ वुड आई नो बताओ ना मेरे को हम लोग वीडियो के एंड में आ रहे हैं लास्ट कोई भी क्वेश्चन होगा तो ले ले नहीं दो क्वेश्चंस ओके टेक हु इज गोइंग टू गेट मैरिड फर्स्ट आई फील समेगा सृष्टि आई फील समेगा सृष्टि आंटी बताओ आई डीपली फील समेगा आंटी आप बताओ मैं शादी करूंगी पहले सृष्टि करेगी कोई भी करो करो सही पर आंटी आप बताओ ना जिसकी भी हो जाए पहले शी इज हैप्पी इन बोथ What is the boundary that you have always upheld? She has नहीं पता. Picked out very good question. Thank you. One boundary that I've always upheld is कि मुझे कोई disrespect नहीं कर सकता. And disrespect in the terms of like anything, be it any friend, कोई भी मतलब अगर at the end of the day in any sense हाँ मतलब अगर मुझे हल्का सा भी बोल देता है and I'm like okay ठीक है बस अब हो गया ठीक है we can be friends but दूर से like acquaintance. One boundary that I have upheld, not leaving friendships behind. इवन इफ आई डोंट टॉक टू पीपल दैट डजंट मीन कि मेरे लिए तुम फ्रेंड्स नहीं हो बट इट इज जस्ट कि मतलब आई लाइक टू कीप फ्रेंड्स इन माई लाइफ नॉट फॉर माई सेल्फ एडवांटेज बट मतलब मेरा फायदा हो रहा है इसलिए मैंने फ्रेंड्स नहीं रखे ऐसा कुछ नहीं येस एंड विद दैट गाइज वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड दिस इज आवर फाइनल मेकअप लुक हम कैसे लग रहे हैं मैं तो बहुत बेकार लग रही हूँ लिंक नीचे भी स्क्रीन पे भी होगा इंस्टाग्राम भी यूट्यूब भी गो चेक हर आउट एंड यस आई विल सी गाइस इन द नेक्स्ट वन बाय